हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने वाले हैं फली की चटनी। तो हमने आधा कटोरी फली ले ली है और 2 कली लहसुन की ले ली है, 5-6 मिर्च ले ली है, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी और थोड़ी सी मिर्ची। आप नमक अपने हिसाब से ले सकते हैं, जैसे कम ज़्यादा हुआ तो आपको जैसा पसंद। और अब हम फली को थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, लहसुन की कलियों को छील लेंगे, मिर्ची को थोड़ा सा तलेंगे और फिर बाद में लहसुन की कलियों के साथ मिर्ची को थोड़ा सा तलेंगे। तो चलो गाइस, अब हम इनको इसको आगे की प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो हमने अभी फली दाने को रोस्ट कर रहे हैं, इसको कम से कम अपन को 10 मिनट तक रोस्ट करना है। तो हमने फली को अभी रोस्ट कर लिया है, अब हम उसी तेल पे गरम कराए। अब हमने फली को रोस्ट कर लिया है तो गरम कढ़ाए पे उसी पर थोड़ा सा तेल डाल के जीरा डाल के मिर्च और लहसुन को भी तल लिया है, तो हल्का सा ही तलेंगे, ज़्यादा तेज में नहीं रखेंगे। बस हो गया, हमको इसको इतना ही तलना था, तो हम गैस ऑफ कर देंगे। अब हम फली दाने के छिलके निकाल लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। अब हमने फली के छिलके निकाल लिए हैं, तो हमने जो मिर्च और लहसुन तला था अब हम इसे इसमें डाल देंगे और ग्राइंड कर लेंगे साथ में मिला के। आप इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं, हमारे पास नहीं था इसलिए हमने नहीं डाला, अगर आपके पास होगा तो आप जरूर डालिए इससे चटनी का स्वाद। आप इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं, हमारे पास नहीं था इसलिए हमने नहीं डाला, अगर आप इसमें धनिया डालेंगे तो इसका चटनी का स्वाद और भी दुगना हो जाएगा, तो आप जरूर डालिएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं चटनी बनके तैयार है और ये पूरी थाली लगी हुई है। उस समय घर में बहुत सारे लोग आ गए थे इसलिए मैं बोल नहीं पाई, ये दाल चटनी फ्राई करते टाइम बहुत सारे लोग आ गए थे तो बोल नहीं पाई मैं, ये दाल राइस रोटी फ्राइड नदे ये आज का खाना।